इतना करें नीचे, और जब ये गन्ना काफी बड़ा हो जाए तब इसकी जुताई शुरू करें, तो आपको दुगने गन्ने मिलेंगे, ज्यादा मोटे मिलेंगे और ज्यादा अच्छे गन्ने मिलेंगे। अगर आप जल्दी जुताई शुरू करते हो तो आपको नुकसान होगा। दर्शक भाइयों, आप सभी का स्वागत करते हैं किसान परिवार में, और आज हम आपको लेकर आए हैं गांव पबरसा और पुनीत पुनिया जी के पास, जिन्हें सभी दर्शक लगभग लगभग जानते ही होंगे। इनके परिचय की ज्यादा आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि हमारे मेरठ के सुपरस्टार किसान हैं और अपनी जो है यूट्यूब पर चैनल भी चलाते हैं हमारे भाई, और उन्होंने अब कई बार पहली बार ट्रेंच बोकर देखा है, तो भाई से भी पूरी जानकारी लेंगे कि ट्रेंच बोने का उन्हें क्या फायदा मिला, क्या नुकसान रहा, कितना उन्हें अच्छा गन्ना लग रहा है आपने, क्योंकि काफी सालों से देखो गन्ने खेती करते आ रहे हैं यहाँ पर, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश हमारे किसान, हमारे भाई भी करते आ रहे हैं, तो उनसे गन्ने की पूरी जानकारी लेंगे। इन्होंने ट्रेंच गन्ना लगा रखा, पीछे देख सकते हैं हमारे, तो हमारे सभी दर्शक भाइयों को अपने एक बार परिचय भी करा दीजिए। सभी दर्शक भाइयों को अपना नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा मजबूत या किसी भी तरह से ये कह सकते हैं कि हर तरह से सक्षम जी तो नहीं है हम इतने, लेकिन हाँ मेहनती इतने हैं कि मेहनत के मामले में हम अड़ जाते हैं। आपने यूट्यूब के मामले में भी देख लिया, चाहे हमें जानकारी थी किसी चीज की चाहे नहीं थी, लेकिन हमने कोशिश करी और जो भी हमें पता चला हमने पूरी ईमानदारी से किसान भाइयों को, पूरे परिवार ने ही जो हम लगे हुए हैं, निखिल भाई भी साथ में ही, अपने दिखाने की कोशिश करी है, सच दिखाने की कोशिश करी है। दोस्तों, उसमें कुछ भाइयों के कमेंट जो है ऊंचे नीचे भी आ जाते हैं गर्म ठंडे, तो उसे भी हम हैंडल कर जाते हैं, जो रिमूव करने लायक है रिमूव कर देते हैं, और जो है कुछ भाइयों का समाधान भी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा है, जो आदमी अपने हाथ से खेती कर रहा है वो आदमी या किसान जो है उसे पता है कि वो कितनी मेहनत कर रहा है। क्योंकि दोस्तों मेहनत कभी नहीं जोड़ी जाती लागत के अंदर, मेहनत हमेशा रह जाती है। जिस तरह से आप देख रहे भी होंगे हमारे यहाँ पे ट्रेंच का गन्ना खड़ा, हमारा पहली बार का, करीब इससे हम 1.25 मीटर की ऊंचाई पे खड़े हैं, बिल्कुल, लेकिन इसमें मन लगता है, इसमें बीज कम है और खाद कम है, पानी भी कम है इसके अंदर, जुताई कम है। वो तो खेत में आप पहले जुताई कैसे करते हो, बहुत ज्यादा गोबर की खाद भी इसमें नहीं डलती, बहुत हल्की है, इसमें समय की है, क्योंकि इसे गैप मिल जाता है। जिस तरह से दोरे का खूड़ा आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हवा लग रही है, ऐसी से अंदर से भी लग रही है, क्योंकि अंदर भी 5 फीट जगह है। बिल्कुल, सिंगल आंख का मैं ज्यादा रेकमेंड करूंगा, डबल आंख का या तीन आंख का ना बोएं किसान, जो ट्रेंच बो रहे हैं तो ज्यादा ख्याल रखें कि सिंगल आंख का बोएं, चाहे दो बीज तैयार करने में, एक बीघे बो सकते हैं, एक दिन लगा दे, दो बीघे है दो दिन लगा दे बीज तैयार करने में, आपके पास लेबर ज्यादा है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये पूरा 5 बीघा का बीज आपने भी वीडियो में देखा था, मैंने कपड़े अपने जो थे मेरे खेत वाले, जो मैं ज्यादातर पहनता हूँ खेत में, अपने आप ही मैंने अधम से ऊपर का बीज यहाँ से काट के, जूना काट के तैयार करा था, ऊपर का बीज बोए और फिर सिंगल आंख काट के, 1/3 सिंगल आंख, हाँ, एमीडा में लगा के और फिर वो सुखा के हमने पूरा तैयार करके बोया था। सिंगल इंक हीट, सिंगल जो आंख है वो ही कामयाब है ट्रेंच के गन्ने के अंदर। तो आप इसे हमें एक बार अंदर से चल करो दिखाइए हमारे किसान भाइयों की, भाई अंदर कैसा हो रहा है। बिल्कुल, अभी दिखाते हैं आपको, सभी को पता होगा कि हमारे निखिल भाई ने ड्रोन लिया है, तो हम आपको इसकी जो है ऊपर से भी दिखाएंगे कि इनका गन्ना ऊपर से भी कैसा हो रहा है, कि आपने नीचे से तो सब दिखाते हैं आपको, अब की बार ऊपर से भी गन्ना हम दिखाने वाले हैं। बिल्कुल, तो आपको वीडियो में ऊपर से भी गन्ना दिखा कि हमारा गन्ना ऊपर से कैसे दिखा। चलो, ये आप देख सकते हैं यहाँ, बिल्कुल ये गन्ना, आप ये खड़े हो जाओ इसके पास में, दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही कम लागत का, बहुत ही कम लागत का, और इसमें हम और भी अच्छा कर सकते थे, हमारे पास ऑप्शन थे, लेकिन दोस्तों हमने जो था यहाँ पे मतलब जगह कम छोड़ दी है, तो इसलिए हम इसमें जो है झोटा या कल्टीवेटर वगैरह या आगे छोटा ट्रैक्टर ज्यादा नहीं चला पाए हम इसमें, क्योंकि इसमें जुताई का बहुत बढ़िया खेल है कि आप इसमें हल्का सा बुरकाव कर दो, स्प्रे कर दो, और इसमें हल्का सा फिर आप इसमें जुताई कर दो। तो दोस्तों ये जो जुताई है वो तो आपने पहले देखी है चैनल पे, पापा के, इसमें जो है क्या नाम है, ये सिंगल बर्ड का ही है, सिंगल बर्ड का झुंडा है, 4-5 गन्ने हैं इसमें, इसमें कुछ टूट भी गए, जैसे ट्रैक्टर मुड़ता था जोर पे मुड़ टूट गए, तो दोस्तों इसमें भी 5 है और इसमें इस वाली आंख में 4 है, तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप मजबूत है, बिल्कुल गिरेंगे नहीं, बिल्कुल गिरेंगे नहीं। क्यों, आपने से मट्टी चढ़ाई है एक बार, मट्टी हाँ ये चढ़ाई है, लेकिन देखो आप अभी पूरी नहीं चढ़ी, इसमें जगह रह गई, बिल्कुल बीच में झील रह गई यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अब हम क्या करवाएंगे, अब जो जुताई होगी, हाँ जी, उसमें तो इसकी नीचे की पत्ती हटवा देंगे, जो भी काम चल रहा है यहाँ तक की, जो ये सूखी पत्ती है ये हट जाएगी, ये हट जाएगी, और इसमें जो था फिर जुताई होके, तो इसकी जो सूखी पत्ती आप हटवाओगे तो उस चीज का क्या फायदा मिलेगा हमारे किसान भाइयों को, ये और बताएं। और आपने इसमें जो बीच में ट्रेंच से बोते हैं, ज्यादातर किसान हमारे भाई 6 फसली बोते हैं, जी जी, तो आपने भी इसमें 6 फसली ली है या नहीं? नहीं नहीं, ये 6 फसली इसलिए नहीं ली गई क्योंकि दोस्तों पहली बार बोई थी, तो हम कोई भी अपने पास में ऐसा बहाना नहीं चाह रहे थे कि हमारा गन्ना बैंगन की वजह से नहीं हुआ या खीरे की वजह से नहीं हुआ या हमारा मिर्च की वजह से नहीं हुआ या उसकी वजह से मर गया,
क्योंकि हमने पूरा ब्लेम अपने ऊपर ही लेना चाहा कि हुआ नहीं तो हमारी कमी से नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों ये गन्ना था हमारा मार्च का, बिल्कुल, जो कि ये खेत तैयार हो गया था हमारा फरवरी में, आपने देखा था। इसमें हमने कई सारे मॉडलों के ट्रैक्टर भी चलाए जो हमारे पास थे उस टाइम पे, आपने देखा था हर तरह से तैयार हो गया था। लेकिन आपने कब बोया जी, मार्च में? ये मार्च में बुआ है जी, करीब 20 मार्च या आसपास, 18-20 मार्च को बुआ आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये जो था अपने टाइम से पूरे एक महीना लेट बुआ, 1.25 महीना, क्योंकि जो ट्रेंच के गन्ने थे वो इससे फरवरी में ही बो गए थे। मतलब जब ये हमने बोया उस टाइम पे ट्रेंच का गन्ना जमा खड़ा था, काफी लेट बोया हमने। हमने सब्जी का ऑप्शन इसलिए नहीं रखा क्योंकि हम जो चाह रहे थे कि पहली बार में ये कर दिया जाए कि किसानों का ध्यान प्योरली गन्ने पे रहे कि इसमें किसान फंसता है या बचता है कहीं। ये हमें ये लग रहा था कि ज्यादातर किसान इसे स्टाइल के तौर पे बो रहे हैं कि जैसे आज एक नाम चल रहा है ट्रेंच का, कि ट्रेंच का गन्ना है तो किसान बहुत हाई फाई है, और सादा गन्ना बोरा है तो किसान को कोई बूझ नहीं रहा, कि ट्रेंच वालों की वीडियो बनती है, सादे किसान की वीडियो नहीं बनती है। तो हमने वो भी देखा, इसमें पूरा ब्ले पूरा हमने इसे फावड़े से ही करने की कोशिश करी। इसमें शुरू में इसमें बड़ा ट्रैक्टर घुसा दिया था टीलर के खुरपे खोल के, लेकिन वो भी एक तरह से गलत ही रहा कि छोटे टाइम पे ज्यादा मिट्टी आ गई थी। तो जहां इसमें आप देख पा रहे होंगे 5 और 6 गन्ने हैं तो इसका आधा ब्याह दब गया था, जो कि आप ये देख रहे होंगे, ये दबने की वजह से ये ज्यादा बड़े नहीं हो पाए थे। तो दोस्तों अगर पूरी गहराई रख के बिल्कुल और आप इसे वहीं पे ब्यांत करवाते रहे और खाद लगाते हैं, मिट्टी ढांढ गन्ना जो सबसे अगेता बोया जाता है अगस्त और सितंबर के बीच का, बिल्कुल, की जो बिजाई है, जो बुआई है गन्ने की, जो असोजी बिजाई बोली जाती है गन्ने की, और आप ये ध्यान रखें कि सिंगल आंख का ही, सिंगल बड़ का ही बोएं और उसमें गैप करके बोएं। गैप कर दोगे अगर आप एक बिलहान का, या मतलब 5-6 इंच का गैप करके आंख रखोगे, उसमें रिजल्ट आपको और भी ज्यादा बेहतर मिलेंगे, क्योंकि सिंगल बड़ का गन्ना ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा मतलब 2 या 3 आंख का जो पेंडा बोते हैं लंबा काट के उससे, क्योंकि उसकी आंखें ऊपर नीचे हो जाती हैं, उसका सिस्टम बिगड़ता है। और उसमें आप अगस्त और सितंबर के गन्ने में आप 4 बार सब्जी की फसल ले सकते हैं, जो कि गन्ने से भी कई गुना ज्यादा आपको इनकम देंगी, थोड़ी जमीन में ज्यादा पैदा होगी आपके पास। और मैं आपको अतिवर्षी पेड्डी दिखाता हूँ जो बिल्कुल इसके सामने ही है, और फिर वो हमारा दूसरा खेत है जो 2 और 3 आंख का पेंडे का है। तो किसान भाइयों, इनकी अतिवर्षी है हमारे पुनीत भाई की, इसे भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि ये जमीन से सड़क से थोड़ा खेत नीचा है, इनका गहरा है। तो इसे भी दिखाएंगे, रंग भी काफी अच्छा बना हुआ और बीमारी का नाम नहीं है देखो जिनके खेत में। और दोस्तों हमारे यहाँ ज्यादातर तीसरी बार की पेड्डी हो जाती है, लेकिन दिक्कत वही है कि ये 28 इंच के खूड है तो ये बंधवाने पड़ते हैं। और देखो ये मूना बन गया, देखो ये जो गन्ने हैं ये बनाए वाले तो छोड़ते नहीं है, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, नहीं तो किसान उन्हें डटेगा कि तूने पैसा ले लिया और काम में रखा। देखो दोस्तों ये खत्म हो गए, अब चलते हैं दूसरे खेत में जो हमारा 2 आंख वाला है। खेत पर आ चुके हैं किसान भाई, तो बताएंगे दूसरे खेत के बारे में। दोस्तों ये भी कभी का एक्सपेरिमेंट ही था हमारा, आपका ही एक्सपेरिमेंट था, भाइयों का दिया हुआ आइडिया था। दोस्तों ये मैंने मेड़ पे सिंगल आंख लगा दी थी, तो कुछ तो आंख हमारी मर गई थी जी, जो हमारी छुलाई में स्प्रे में आ गई थी। लेकिन ये देख सकते हैं आप, अगर आपके मेड़े गिर रहे हैं तो आप इस तरह से बंधाई कर सकते हैं, ये पूरा बांध दिया हल्का ढीला करके, देखो ताकि गन्ना सीधा रहे, और फिर ये ऐसे, और ये देख सकते हैं इसी तरह के ये झुंडे हैं, और फिर इसी तरह से इसमें भी करीब 17-18 गन्ने हैं जो कि पिछले साल कट चुके हैं। ये पेड्डी है, ये मजबूत निकले हैं गन्ने, ये काफी अच्छे गन्ने चल रहे हैं, और इसी तरह से पूरी डोल पे हैं। इसे अंदर भी दिखा दो एक बार। और दोस्तों ये उस वाले खेत से 2 दिन बाद का है, और ये देख सकते हैं आप, इसमें जो था पेंडा था, जो 2 आंख का और 3 आंख का पेंडा, जैसे हम आम ईख बोते हैं, गन्ना बोते हैं, बिजाई करते हैं, ये वो था। लेकिन ब्यांत इसमें भी काफी है, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इतना ज्यादा ब्यांत हुआ कि इसमें ब्यांत सूख गया। ये देख सकते हैं आप, छोटे छोटे जो ये सूख रहे हैं, ये सूख रहे हैं अंदर, मतलब इसमें एक ही आंख में करीब 6-6, 7-7, 8-8 गन्ने हैं, और ये थोड़ा उससे कम लागत का है। इसमें सारा हमने जैविक लगाया, अच्छा जैविक पैदा करा, जैविक वाला है, तो उसके मुकाबले ये थोड़ा देखने में कमजोर लगता है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि लास्ट तक ये भी, मार्च तक ये भी बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, क्योंकि ये भी गिरेगा नहीं, काफी दब रहा है ये भी, बढ़िया। तो हमारे पुनीत भाई ने 2 आंख के बो रखे हैं, 3 आंख के बो रखे हैं, 1 आंख का बो रखा है, लेकिन ये 1 आंख को ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। तो सभी किसान भाई 1 आंख का गन्ना बोएं और उसे ही ज्यादा अच्छे से करें और उसमें सह फसलें लें, ताकि किसान हमारे खुशहाल हो सकें, क्योंकि गन्ने में ज्यादा पैसे तो बच नहीं रहे, और अदर फसल लेंगे, अगर अलग फसल लेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा। आप सभी किसान भाइयों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद धन्यवाद, जुड़े रहिए।